वेलकम टू लेटेस्ट टेक गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आप एप्पल के फ़ोन से किस तरह आईक्लाउड बाईपास करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं वाईफाई मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से मैं कंट्री चूज़ करके और लैंग्वेज सेट करके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले फ़ोन में आईक्लाउड। उसके बाद गाइस मैं आपको मेथड बताऊँगा कि किस तरह से आपको बाईपास करना। सो गाइस, यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट वर्जन है iOS 14.2, उसका भी गाइज मैंने आईक्लाउड बाईपास एक्टिवेशन लॉक बाईपास किया। सो गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैं आपको यहाँ पे आप मैक से भी बाईपास कर सकते हैं और विंडो से भी। सो गाइज, मैं यहाँ पे विंडो से बाईपास करने वाला हूँ आईक्लाउड, लेकिन मैं जो जेल ब्रेक है वो गाइज मैं यहाँ पे करूँगा मैकबुक से। ठीक है गाइज, तो मैंने विंडो में इंस्टॉल नहीं किया, तो मैं मैकबुक से जेल ब्रेक करूँगा इसको। और उसके बाद गाइज मैं आपको मेथड बताऊँगा कि आप किस तरह से बाईपास करेंगे एक्टिवेशन लॉक को। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिवेशन लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फ़ोन को जेल ब्रेक कर देता हूँ, उसके बाद गाइज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको बाईपास करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, तभी गाइज आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारी न्यू अपडेट का। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेशन लॉक स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले फ़ोन को जेल ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आईफोन 5 ऐसा है, मैंने एक्स का भी बाईपास किया है। ठीक है, तो उसकी वीडियो मैं अभी डाल दूंगा आपके लिए। सबसे पहले गाइज आपको फ़ोन जेल ब्रेक करना है, तो यहाँ पे मैंने चेक रेन इंस्टॉल किया हुआ है लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ पे इसमें रिकवरी मोड पे यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन आ चुका है। ठीक है, तो गाइज़ अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक स्टार्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना, यहाँ पे ऑन ऑफ एंड देन होम की दोनों एक साथ प्रेस करके रखनी है। उसके बाद ऑन ऑफ छोड़ देना और होम की कंटिन्यू प्रेस करके रखनी है। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है जेल ब्रेक करते टाइम। ठीक है, इन दोनों को प्रेस करके रखना है और उसके बाद जब यहाँ पे थोड़ा सा 2 सेकंड वेट, उसके बाद यहाँ पे ऑन ऑफ छोड़ देना और होम की जो है वो कंटिन्यू प्रेस करके रखनी है। यहाँ पे गाइज देखिए, यहाँ पे अब DFU मोड पे अब मैंने यहाँ पे होम की छोड़ दी है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है मैं वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले जेल ब्रेक हो जाने दीजिए, उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक क्लिक में अपने जो आईक्लाउड एक्टिवेशन लॉक है वो विंडो से बाईपास कर लेंगे। सो गाइस, मैक से भी कर सकते हैं, मैं मैक की वीडियो भी लेके आने वाला हूँ और विंडो की अलग से पूरी जेल ब्रेक और उसके बाद एक्टिवेशन लॉक बाईपास करने की दोनों लेके आने वाला हूँ। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन जेल ब्रेक मैंने किया। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि विंडो से आप किस तरह से एक्टिवेशन लॉक बाईपास करेंगे। सो गाइज, आपको कोई डाउट ना रहे इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरी रिकॉर्डिंग सामने ही कर रहा हूँ। ठीक है, फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की है, इसलिए आप सब कुछ एक साथ देखेंगे और उसके बाद मैं टूल का प्रोसीजर वो आपको मैं सब बता दूंगा। पहले आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जेल ब्रेक हो चुका फ़ोन, यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब तक फ़ोन बूटा होता तब तक वेट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको विंडो से किस तरह बाईपास करना है। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन यहाँ पे जेल ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसे यहाँ से मैं फिर इसे आपको कर देता हूँ लैंग्वेज चूज़ करके नेक्स्ट एंड देन एक्टिवेशन लॉक पर ले जाना है आपको इसे जब भी आप बाईपास करेंगे। सो गाइज, पूरे स्टेप जो मैं करूँगा वही आपको फॉलो करने, बाईपास करने के लिए आपको सेम यही करना है, फिर से आपको जाना है और एक्टिवेशन जहाँ पे आईक्लाउड मांगता है वहाँ पे आपको फिर से चले जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइज, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ले आता हूँ अपने विंडो की स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक ये होता गाइज, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मैं अब आपको ले आया हूँ विंडो पे। ठीक है, अब गाइज आपको विंडो पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए फ़ोन चेकिंग इन्फो पे नीचे है। ठीक है, मैंने अभी PC से कनेक्ट नहीं किया, तो मैं अभी कनेक्ट करूँगा गाइज, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। ओके गाइज, तो यहाँ पे फ़ोन पे देख सकते हैं आप एक्टिवेशन लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेशन लॉक। अब मैं गाइज आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि किस तरह से आपको एक्टिवेशन लॉक को बाईपास करना है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मैं एक बार कनेक्ट करके आपको iTunes से दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे गाइज मैं इसे iTunes से कनेक्ट कर देता हूँ। पहले आपको iTunes इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, चेक करने के लिए सिस्टम पे। यहाँ पे मैंने iTunes से कनेक्ट किया। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन यहाँ पे कनेक्टिंग पे, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है गाइज। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से और किस टूल से आप बाईपास करेंगे और उसका प्रोसीजर भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए तो गाइज इसमें मैं ऑनलाइन सपोर्ट करूँगा, ऑनलाइन एक्टिवेशन लॉक जो भी है वो बाईपास करूँगा। तो आप यहाँ पे देखिए फ़ोन कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट मैं दिखा देता हूँ क्या करना है। यहाँ पे फ़ोन कनेक्टेड है और यहाँ पे इसे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ओके गाइज, जो नेक्स्ट स्टेप है ठीक है, उस पर आपने क्या करना है याद रखें, एक जगह हो गया। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गाइज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन जो है वो एक्टिवेशन लॉक स्क्रीन पे, यहाँ पे भी सेम आईडी और एंड देन पीसी पे भी सेम आईडी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा तो ये सेम आईडी दिखा रहा है, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आईटीएम्स को आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद एक टूल का लिंक आपको मिल जाएगा गाइज, ठीक है। पहले मैं आपको बाईपास करके दिखाता हूँ और उसके बाद गाइज इसमें आप अनथ्रेटन्ड जो आईफोन का एक्टिवेशन लॉक है वो बाईपास कर लेंगे, ठीक है गाइज। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ पूछना चाहते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए गाइज, वो भी मैं करूँगा। सो गाइज यहाँ पे आपने एक टूल का लिंक आपको मिलेगा, आपने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आपने वही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसके लिए ऑनलाइन सपोर्ट करूँगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखिए जो टूल है वो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। तो अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए टूल लिंक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना जब तक फ़ोन कनेक्टेड हो जाता कंप्लीट। यहाँ पे नीचे जो सी ए वो यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है गाइज। तो आपको थोड़ा सा वेट करना जब तक ये फ़ोन कनेक्टेड। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस कनेक्टेड आई ओ एस, इसमें 12.14 है, बट आप इसमें 14.2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 14.2 आईफोन एक्स है जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने इसमें आई क्लाउड एक्टिवेशन लॉक बाईपास किया। सो गाइज नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए फ़ोन एक्टिवेशन लॉक स्क्रीन पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे हेलो जीएसएम एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट है ना हेलो फ्री वॉल ऑप्शन, ठीक है गाइज। तो इस टूल की जो हेलो फ्री जहाँ पे लिखा है आपने इस पर क्लिक करना है, सिमलेस मैथड पर टिक करना है एंड देन एक्टिवेट, ठीक है गाइज। तो जब आप इसे एक्टिवेट करेंगे एंड देन इसको यस कर देंगे, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आप यस कर देंगे और ये उसके बाद आपने सिम निकाल देनी है, ठीक है। लैंग्वेज एंड सेलेक्ट कनेक्ट वाईफाई करके नेक्स्ट एक्टिवेशन लॉक स्क्रीन पे यहीं पे रखना है आपको बाईपास करने के लिए, ठीक है। आपने लैंग्वेज चूज़ करके रीजन भी और वाईफाई कनेक्टेड होना चाहिए फ़ोन पे, और उसके बाद आपने कन्फिगर अनटिल द एक्टिवेशन लॉक स्क्रीन पे। तब जब तक एक्टिवेशन स्क्रीन लॉक पे नहीं आएगा तब तक आप इसे बाईपास नहीं कर पाएंगे आपको रहा है। जब आप ये पूरी सेटिंग यही होगी फ़ोन की, उसके बाद गाइज आप यहाँ पे ओके कर देंगे एंड देन वेट करेंगे। सो गाइज यहाँ पे वेट करना, मैं आपको कुछ भी यहाँ पे वीडियो की स्पीड पास नहीं करूँगा, कट नहीं करूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊँगा कि किस तरह से आप बाईपास करेंगे इसको, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैं एक बार बाईपास करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ़ोन देखिए, यहाँ पे जो फ़ोन है वो यहाँ पे एक्टिवेशन लॉक बाईपास हो रहा है, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है आपको जब तक ये एक्टिवेशन लॉक, यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना जब तक टूल का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब तक आपने जो फ़ोन है वो कनेक्टिंग रखना है पीसी से। आपको ध्यान रखना है आपके यूएसबी कहीं से ब्रेक नहीं हो, मतलब यूएसबी हिलनी नहीं चाहिए आपकी, आपने कंटिन्यू ऐसे रखना है जब तक ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता। सो गाइज इसमें एक्टिवेशन लॉक बाईपास करने के बाद आप सब कुछ फेस आईडी उसके बाद पासकोड सब चला सकते हैं, सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम आएगी सिम की और इंटरनेट की, वो भी किसी फ़ोन में चलती है गाइज और किसी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिम का मेथड भी बताऊंगा आगे कि किस तरह से आपको जो सिम का प्रोसेस है, जो सिम आपने चलानी है फ़ोन में वो किस तरह से चलानी है आईक्लाउड बाईपास करने के बाद। सो गाइज जब आप एक्टिवेशन लॉक बाईपास कर लें उसके बाद ध्यान रखना है आपको अपना फ़ोन रीसेट नहीं करना है और उसके बाद अपडेट नहीं करना है। अगर आप रीसेट और अपडेट कर देंगे तो आपको दोबारा से एक्टिवेशन दिखाएगा स्क्रीन पे। सो गाइज ये ध्यान रखना आपको रीसेट एंड देन आपको एक्टिवेट नहीं करना है इसमें, सॉरी अपडेट नहीं और रीसेट नहीं करना। उसके बाद गाइज आप इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अकाउंट आईडी लगा सकते हैं, वो भी मैंने एक्स में लगा के गाइज मैंने पूरा चेक किया। मैंने आईफोन एक्स 14.2 था उसको मैंने बाईपास किया, जो आईओएस लेटेस्ट था उसको मैंने कंप्लीट बाईपास किया, ठीक है। उसमें मैंने अकाउंट डाला, उसके बाद आप सोशल मीडिया चैट जो भी वगैरह ऐप्स हैं कोई भी ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखिए तब तक आपको कुछ नहीं करना जब तक यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो। सो गाइज इसने यहाँ पे दिखा दिया रिमेंबर कुड नॉट अपग्रेड आर रिस्टोर, ठीक है। तो आपको अपना फ़ोन रिस्टोर एंड अपडेट नहीं करना। यहाँ पे देखिए फ़ोन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट क्या करना है,
यहाँ पे देखिए मैं फ़ोन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं आपको क्या करना, होम बटन प्रेस करनी है, यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आप कंट्री चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं ये USB भी निकाल देता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं कंप्लीट यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंडिया एंड देन सेटअप, यहाँ पे मैं प्रोसेस सेटअप कर देता हूँ और प्रोसीजर बता देता हूँ मैं आपको वीडियो के एंड में कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए गाइस, आप यहाँ पे टच आईडी इसका यहाँ पे टूटा है, बटन कोई हो रहा है, तो सेटअप लेटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड रख देता हूँ, 1234 रख देता हूँ, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए वाईफाई कनेक्टेड होना चाहिए, डू नॉट ट्रांसफ़र, ठीक है गाइस। सेटअप लेटर, ठीक है, तो मैं एप्पल आईडी से लेटर सेट कर देता हूँ। आप इसे बाद में जाके लगा सकते हो, कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। आपको अकाउंट इसमें लॉगिन कैसे करना है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको मेथड बताऊंगा कि कैसे आप लॉगिन कर पाएंगे आईडी से। सो गाइस, इसका मैं प्रोसीजर बता देता हूँ, तब तक आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं वीडियो बिल्कुल भी अनकट या कुछ स्किप नहीं करूँगा, तो आप इसको देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट। यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ पे ऊपर प्रोसेसिंग पे थोड़ा नेट स्लो है इसलिए दिक्कत आ रही है थोड़ी। तो यहाँ पे गाइस आपको मैं नेक्स्ट दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए फ़ोन यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एग्री कर देना आपने, ठीक है गाइस, एग्री एंड देन कंटिन्यू गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे डोंट शेयर कर देता हूँ मैं, फिनिश कर देता हूँ जल्दी जल्दी, गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली फ़ोन में जो आईक्लाउड एक्टिवेशन लॉक है, सो गाइस वो बाईपास हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको फ़ोन रीबूट करके भी दिखाऊंगा, कई बार ऐसा होता है कि आप जब रीबूट करते हैं तो दोबारा से आईक्लाउड एक्टिवेशन लॉक लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले रीबूट भी करके दिखाऊंगा और इसका मैं प्रोसीजर भी समझाऊंगा। सो गाइस, यहाँ पे मैं पहले इसे ऑफ़ कर देता हूँ। ओके, मैंने इसे पावर ऑफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 सेकंड तक वेट करता हूँ, उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़ोन में एक्टिवेशन लॉक है यानी। यहाँ पे 5 सेकंड हो चुके हैं अब तक आई थिंक, तो ये चलिए मैं दोबारा से इसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने इसे ऑन कर दिया। सो गाइस, इसका प्रोसीजर ये है कि आपको ये टूल जो है वो, अगर टूल आपको चाहिए एक्टिवेशन लॉक बाईपास करने के लिए, ठीक है गाइस, आपको ऐसे फेक टूल बहुत सारे मिल जाएंगे। ये कंप्लीट मैंने आपको पूरी, इसलिए मैंने बाहर कैमरे से वीडियो उठाई है, कोई कट नहीं है, कंप्लीट वीडियो मैंने आपको दिखाई है, जिससे आप इजीली आईक्लाउड लॉक बाईपास कर लेंगे एक क्लिक में। इस टूल की कास्ट है गाइस, अगर आपको टूल चाहिए तो टूल आपको लगभग 500, या फिर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं हमारे चैनल पे, तो ये आपको, अगर आप मेंबर बनते हैं, आप 799 वाला प्लान लेते हैं, तो आपको ये टूल फ्री में मिलेगा। और अगर आप किसी फ़ोन को बाईपास करना चाहते हैं तो फ़ोन को बाईपास करने की कॉस्ट है 300। आप ऑनलाइन जो है वो 300 में किसी भी फ़ोन को, आईफोन एक्स तक आप एक्टिवेशन लॉक बाईपास करा सकते हैं। तो गाइस, मैं इसमें ऑनलाइन आपकी हेल्प कर दूंगा, ऑनलाइन बाईपास करूँगा। और टूल चाहिए अगर आपको, तो टूल की जो कास्ट है वो 500 आपको लगेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे नेक्स्ट, इसकी टूल की जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी वो सब आपको फ्री मिलेंगी, जो भी अगर आप हमारे चैनल पे मेंबर बनते हैं 799 वाला प्लान लेके, तो जो भी टूल की नई लेटेस्ट अपडेट होंगी, जैसे iOS 14.3 या उससे अपग्रेड कोई आता है, तो आप उसकी अपडेट आपको फ्री में मिल जाएंगी। एक बार आप टूल अगर बाई पर कर लेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे मेंबर बनते हैं तो आपको टूल की अपडेट फ्री मिलेंगी। अगर आप मेंबर नहीं बनते, एक ही बार टूल बाई करते हैं, तो एक ही बार मिलेगी आपको, नेक्स्ट टाइम टूल की जो अपडेट है वो नहीं मिलेंगी। सो गाइज, अगर आपको फ्री वाला वर्जन चाहिए तो फ्री वाला वर्जन भी मैं ला के डाल दूंगा, बट उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आप जब फ़ोन रीस्टार्ट करते हैं गाइज, तो फ़ोन रीस्टार्ट करने पे आपका जो एक्टिवेशन लॉक है वो फिर से लग जाता है। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ़ोन रीस्टार्ट भी किया, सब फ़ोन को कोई एक्टिवेशन लॉक नहीं रहा, तो यहाँ पे कंप्लीट बाईपास हो चुका। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको अपडेट एंड रीस्टोर नहीं करना, ठीक है गाइज। तो अपडेट एंड रीस्टोर तब करना जब आपके पास टूल का अपडेट होगा, उसके बाद आप फिर से इसे बाईपास कर सकते हैं। सो गाइज, जिसको टूल का लिंक चाहिए, ठीक है, जिसको बाईपास करना है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे ज्वाइन करके जब मेंबर बनेंगे तो मैं टूल का लिंक आपको डायरेक्टली वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्री वर्जन के साथ में आऊँगा आपको, बट उसमें किसी फ़ोन में प्रॉब्लम आती है। सो गाइज, इस फ़ोन टूल से आपको आईफोन एक्स तक आईक्लाउड एक्टिवेशन लॉक बाईपास कर लेंगे, जो 14.2 लेटेस्ट वर्जन है गाइज, उसका आप उस वहाँ तक अभी तक इजिली कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अपडेट भी आपको मिल जाएगी।
सो गाइज मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ, फ्री वाली भी लेके आऊँगा और टूल भी आपको फ्री वाला मिलेगा। उसके बाद जो आईफोन एक्स की बाईपास करने का मेथड है वो भी सेम प्रोसेस यही है, बट मैं उसके भी वीडियो लेके आऊँगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टूल चाहिए होगा तो सो गाइज आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ सोशल मीडिया पर। उसके बाद अगर आपको ज्वाइन करना, जब आप ज्वाइन करेंगे तो हम मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा आप हमारे चैनल पे मेंबर हैं, तो आपको मैं ये डायरेक्टली टूल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।